दोस्तों चलिए जानते हैं महाराणा अमर सिंह जी के मुगलों पर विजय अभियानों के बारे में। महाराणा ने मेवाड़ को सुदृढ़ बनाने के लिए आक्रमणकारी नीति को अपनाया। मेवाड़ के बाहर जितने भी मुगल थाने थे एक एक कर उन पर आक्रमण किए। मुगल थानों पर आक्रमण करके भीषण तबाही मचाई, अनेक मुगल चौकियों को जलाकर राख कर दिया। महाराणा ने गुजरात, सिरोज और मालपुरा पर आक्रमण कर मुगल थानों पर भीषण लूटमार की। दोस्तों बात 1598 की है। अकबर ने अपनी राजधानी को लाहौर से आगरा स्थानांतरित किया। अब अकबर दक्षिण भारत में चढ़ाई करना चाहता था, परंतु रास्ते में महाराणा अमर सिंह जी ने मुगलों की नाक में दम कर रखा था। अब सबसे पहले उसको महाराणा अमर सिंह जी को परास्त करना था और मुगल थानों पर महाराणा के आक्रमणों की खबर भी अकबर तक पहुंच चुकी थी। अकबर ने खुद मुगल फौज की कमान संभाली और भारी भरकम सेना के साथ अजमेर पहुंचा। वह वहां पर थोड़ी देर रुका और फिर मेवाड़ की तरफ कूच किया। उसे लगा कि जो कार्य वह 1567 से 1597 तक नहीं कर पाया वह अब महाराणा अमर सिंह जी के समय करेगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बताऊं, अकबर अपने जीवन काल में 3 बार मेवाड़ आया था। 1567 महाराणा उदय सिंह के समय, 1576 महाराणा प्रताप के समय और 1598 में महाराणा अमर सिंह जी के समय। या धरती रण बांकुरारी, मुगलारी आँख्या में खटके, अकबर करे चढ़ाई तीसरी, राणा अमर सिंह राज करे बेखटके। अकबर ने जगह जगह पर मेवाड़ में मुगल थाने स्थापित किए और खुद आगे बढ़ता रहा। महाराणा अमर सिंह उस समय उदयपुर में थे। अमर सिंह जी ने फौरन उदयपुर के महलों को खाली करवाया और समस्त सैनिकों के साथ पहाड़ों में प्रवेश किया। अमर सिंह जी महाराणा प्रताप के समय पहाड़ों में रह चुके थे, वह पहाड़ी रास्तों को अच्छी तरह से जानते थे। मुगल उदयपुर तो पहुंचे पर उन्हें वहां कुछ नहीं मिला, खाली महलों और पेड़ पौधों के सिवाय। महाराणा अमर सिंह पहाड़ों से निकले और उदयपुर के अलावा मेवाड़ में जितने भी थाने अकबर ने स्थापित किए थे उन सब पर भीषण आक्रमण किए और केवल एक हफ्ते के अंदर सारे मुगल थाने उखाड़ के फेंक दिए। अब दक्षिण भारत में मुगलों के खिलाफ विद्रोह तेज हो गए। अकबर उदयपुर में थाना स्थापित कर दक्षिण भारत की ओर गया। उसके बाद महाराणा अमर सिंह जी ने उदयपुर पर भी हमला कर दिया और वहां से भी मुगलों को खदेड़ कर फिर से उदयपुर पर अधिकार स्थापित किया। दोस्तों उसके बाद अकबर ने मेवाड़ के लिए सैन्य अभियान तो भेजे पर अपने जीवन काल में मेवाड़ वापस नहीं आया।